नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग घर पे फरे बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने उड़द की दाल भिगोई थी और इसके छिलके निकाल के इसको मिक्सी में पीस लिया है। इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, हींग, नमक और धनिया, सोया, ये सब आप अपने स्वादानुसार ऐड कर लीजिए। उसके बाद चावल के आटे को हमने गूंथ लिया है। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। इसकी छोटी छोटी लोई ऐसे काट लेते हैं। इसे गोल करके ऐसे बना लिया जाता है। जब ये टिकिया की तरह गोल गोल हो जाए ये देखिए, तब इसमें ये दाल का पेस्ट जो हमने बनाया है इसको ऐसे लगा के फोल्ड कर देते हैं, ये दब जाए। और फिर इसे आप जो है कई बना सकते हैं इस तरह से, और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें आप ऐड कर सकते हैं मिर्ची वगैरह भी जैसी आपको पसंद है। और सबसे मेन बात होता है कि इसमें कोई ऑयल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है जो शरीर को हार्मफुल करे या नुकसान पहुँचाए, तो इसलिए दोस्तों ये हम लोग घर पर आसानी से बना सकते हैं। और भगोनों में खौलता हुआ पानी है जिसमें नमक और रिफाइंड पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमने ये स्टील की चलनी रख दी है और इसके ऊपर इन फरों को ऐसे हम सजा देते हैं। इसे भाप वाले फरे भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फरे हमने लाइन से इस पे बिछा दिए हैं और इसके बाद इसे कवर कर देते हैं। इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए या आराम से पक जाए। दोस्तों हमने पानी से जो चलनी रखी थी पानी पे उससे फरे निकाल के इसे काट लिए हैं और इसके लिए मटेरियल तैयार कर लिया है। ये देखिए जीरा है, इस जीरे को हमने कढ़ाई में तेल डाला है या रिफाइंड आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के फ्राई करते हैं। जीरा पक के तैयार है, इसमें हमने ये फल डाल दिए थे और ये फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों ये फले अपने टेस्ट के अनुसार आप बना सकते हैं। बहुत से लोग हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्हें मुलायम फले पसंद होते हैं, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करिए, ये मुलायम रहेंगे खाने में। और अगर आपको पसंद है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, जबकि हम लोग पसंद करते हैं कि हाँ फले टाइट हों तो अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा, कुरकुरापन हो जाएगा, तो आप इसे और देर तक फ्राई कर सकते हैं। तो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, वैसे ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके फले तैयार हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फले हमने प्लेटिंग कर ली है, इसको साथ में धनिया से गार्निश कर दिया है, इसे डेकोरेट कर दिया है और ये टेस्टी फले आपके तैयार है। आप इसे देसी घी के साथ खा सकते हैं, गोभी की सब्जी के साथ खा सकते हैं या इसे चाय के साथ शाम को नाश्ते में ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो नाइस, थैंक यू।